जय जिनेंद्र, वेलकम टू सोनल्स फूड वर्ल्ड। ये देखिए गऊ है, 3 पार्ट की गऊ है जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा है और अब मैं इसे जार में लेके पीस दूंगी। इसे हमें टुकड़े नहीं करने हैं, इस गऊ को ऊपर से बस मतलब 1 के 2 दाने हो जाए इतना ही हमें करना है। ऐसे ऑन ऑफ मिक्सी के जार को मिक्सी को करना है। और देखिए इसके बाद हम एक परात में किसी में ले लेंगे और इसे ऐसे एकदम सुखाने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छे से सूख गया है हमारे गऊ और इसे कपड़े में भी आप सुखा सकते हो। और उसके बाद हमें फटक के ले लेना है, कोई भी फूस वगैरह हो तो निकल जाएंगे। और कुकर में 8 सीटी ले, ये देखिए 8 सीटी हो गए हैं और ये अच्छे से गऊ पक गए हैं। और अब इसके अंदर मैं 1/2 लीटर दूध, फुल क्रीम का दूध है तो उसे डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करके काजू 1/4 कप डाल दूंगी, किशमिश 1/4 कप, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, मीठा रंग जो पानी में थोड़ा सा गोल के, इसको 1 सीटी ले लेनी है वापस। और अब इसमें मैं 2 कप शक्कर ऐड करके इसे 2 मिनट और पकाएंगे अच्छे से। और ये तैयार है हमारा गऊ का खीच। इसके ऊपर मैं बादाम की कटिंग और केसर डाल के सर्व करूँगी।